मेरा प्रिय वैज्ञानिक, वैज्ञानिक आधुनिक राष्ट्र का निर्माता होता है। वह विश्व पटल पर अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जाता है। प्राचीन भारत से अब तक यहाँ के वैज्ञानिकों का अवदान सारे विश्व को ज्ञान की राह दिखाता रहा है। जीरो के आविष्कार से लेकर महत्वपूर्ण गणितीय और ज्योतिषीय स्थापनाओं में भारत ने नई दिशा दी है। हमारे देश में आर्यभट्ट, चरक, बौधायन एवं नागार्जुन जैसे वैज्ञानिक प्राचीन काल में हुए हैं। मैंने कई अच्छे वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में अध्ययन किया है। मैं उन्हें पसंद करती हूँ और उन्हें पूर्ण सम्मान भी देती हूँ। मैंने उनके जीवन परिचय से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मेरे चरित्र पर गहरा प्रभाव डाला है, किंतु उन सब में मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को सबसे ज़्यादा पसंद किया। अब्दुल कलाम मेरे पसंदीदा वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाबदीन अब्दुल कलाम है। इनके पिता श्री जैनुलाबदीन मध्यम वर्गीय परिवार के थे। कलाम ने अपने पिता से ईमानदारी, आत्मानुशासन की विरासत पाई और माता से ईश्वर विश्वास तथा करुणा का उपहार लिया। कलाम ने 1950 में तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से BSc की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उपाधि प्राप्त की। 1958 ईस्वी में कलाम DTD&P में तकनीकी केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर नियुक्त हुए। 1963 से 1982 ईस्वी तक कलाम ने अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में विभिन्न पदों पर काम किया। सन 1981 के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर डॉक्टर कलाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा 1990 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण और 1997 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कलाम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। सोमवार दिनांक 27 जुलाई 2015 की शाम मेघालय की राजधानी शिलांग में हृदयाघात होने से डॉक्टर कलाम का देहांत हो गया। वे भारतीय प्रबंध संस्थान में एक लेक्चर दे रहे थे कि अचानक बेहोश हो गए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ गुरुवार 30 जुलाई 2015 को सुबह 11 बजे तमिलनाडु के रामेश्वरम नगर में किया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ गंभीर चिंतक और अच्छे इंसान भी थे। बाल शिक्षा में विशेष रुचि रखने वाले कलाम को वीणा बजाने का भी शौक था। राजनीति से दूर रहकर भी कलाम राजनीति के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान रहे। धन्यवाद।